नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। माघ 15 गते भीतर चुनाव के मिति घोषणा होगा, प्रधानमंत्री प्रचंड कहब बैसाख के अंतिम सप्ताह चुनाव की संभावना। मधेश में 32 लाख जनता सड़क में उतारब, नेकपा एमाले दावी, केपी ओली नेतृत्व में 100 कमांडर खटत। छापा के अलग अलग स्थान में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। उच्च अदालत के 80 गोटे न्यायाधीश नियुक्ति के निर्णय से चाब महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठक मांग, विरोध में सरकारी वकील सब संपूर्ण अदालत के बहस पर भी कलक बहिष्कार। अब भारतक ओडिशा के रायगढ़ में रेल दुर्घटना भेला से कमती में 23 गोटे के मृत्यु। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बैसाख के अंतिम सप्ताह स्थानीय तह के चुनाव घोषणा हेत बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल प्रमुख 3 दल बीच बेल सहमति अनुसार सरकार माघ 15 गति भित्रे निर्वाचन की मिति घोषणा करे के तैयारी में रहल सेहो स्पष्ट कल। संसदीय मामला में पत्रकार समाज द्वारा संपादित संसदीय पत्रकारिता पुस्तक के काठमांडू में विमोचन करे प्रधानमंत्री दाहाल बैसाख 25 से लेकर 30 गते भीतर स्थानीय निर्वाचन हो हेत से उल्लेख कैन। प्रधानमंत्री दाहाल निर्वाचन में जाय मधेशी मोर्चा से सहमत हेत विश्वास व्यक्त कल। अन्तिम हप्ता मैले भने 25 गतेदेखि 30 गतेभित्र निर्वाचन गर्ने गरी 15 गतेभित्र घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति नै भेल त दोसर विधि अपनायु का हाथ त मधेशी मोर्चा के माग संबोधन कर अपने सक्षम है वो के विश्वास योग व्यक्त कल। वो मधेशी मोर्चा के माग के संबोधन कह कर निर्वाचन में जाए अपना संग दोसर विधि रहल उल्लेख करतु वही के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं कर रहे थे। को बारे में पनि त्यतिकै गम्भीरताको साथ कुरा गरेको छु। यो संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने बारेमा यो संशोधन विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन हेरफेर गरेर सबैले सहमतिबाट टुङ्ग्याउन सके सबभन्दा राम्रो। यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु अर्को विकल्प, त्यसो गर्दा पनि निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ भने मैले एउटा अर्को बाटो पनि मधेसी मोर्चाका नेता साथीहरूसँग पनि भनेको छु र प्रमुख दलका नेता साथीहरूसँग पनि अर्को पनि संशोधनको बाटो अपनाउन सकिन्छ। त्यो संशोधन विधेयकलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै गर्दै मधेसी मोर्चाको पञ्चरलाई पनि उहाँहरूको मुद्दालाई पनि सम्बोधन हुने गरी अर्को संशोधन एउटा नयाँ संशोधनको तरिकाद्वारा पनि कार्यक्रम में बजेट प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमाङ जनता निर्वाचन चाहला छ तत्काल तीनों तह के निर्वाचन की मिति घोषणा कर सरकार संग मांग कल। वो निर्वाचन की मिति तत्काल घोषणा क के आगू बढ़े के विकल्प नहीं रहल कहत सरकार के सचेत से होकर रहे थे। उपनेता नेमाङ संविधान कानून कर वाला जनता संग के कबूल अनुसार दल सब मिलकर आगू बढ़े के विकल्प नहीं रहा से स्मरण कर रहे थे। जिम्मेवार 3 दल लगायत का पार्टी अर्को विकल्प प्रतिबद्धता हो तेस कारण अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि गर्दैन। अन्तिममा म जोड्न चाहन्छु, अझै यसलाई व्यापक सहमतिको आधार तयार गर्नको लागि प्रयास गर्नलाई म अन्यथा मान्दिनँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा त्यसो भन्ने गर्नुहुन्छ, तर यसलाई अझै व्यापक सहमति प्रदान गर्न प्रयास गर्दा पनि सहमति भएन भने त्यति बेला गर्ने के? अब त्यसको जवाब दिने बेला भयो। व्यापक सहमतिको लागि प्रयास गर्दा गर्दै पनि सहमति कायम हुन सकेन भने गर्ने के? त्यति बेला आफूहरूले मिलेर हिजो अस्ति भर्खर गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छ? उपनेता नेवाङ संविधान कानून के काम के व्यवस्था केलक त जनता चुप लागि नै बस चेतावनी सेहो देलत।
नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहक 15 पुण्यतिथि आई विभिन्न कार्यक्रमको मनाउल चार रहेछ। सिंहको जनवरी 23, 2002 में देहावसान भेल छल। मधेसी सबके हक अधिकारक लेल आवाज उठाबमे नेता सिंहक अग्रणी भूमिका निर्वाह कयने छलथ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मधेसके बर्बाद आ पहिचान विहीन गर चाहवाला विरुद्ध लडत सबसँग अपिल कलेनै छ। माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री विश्वनाथ शाहको माया सागर देवी शाहको 13 पुण्यतिथिमा सहभागी होब रेबिन सिराके गोल बजार पहुँचल। प्रधानमन्त्री दाहाल मधेसके बर्बाद गर चाहवाला विरुद्ध लड अपिल कलेनै छ। ओ मधेस बिना पहाड़ आ पहाड़ बिना मधेसके अस्तित्व कल्पना गर सेहो नै सकक स्पष्ट कलथ। ओ संविधान संशोधन प्रक्रिया आगू बढाव सबसँग मिल्क समझदारी भ रहल सेहो बतलेनै छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रक वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ मधेस केन्द्रित दल सबके मुद्दाके जल्दी सम्बोधन गर जका सबके निर्वाचन दिश लजाके प्रयास गर सरकारसँग माग कयने छथ। रविदिन हेलिकप्टर स सिरहा पहुँचल प्रधानमन्त्री दाहाल अपने निर्वाचन जित्ने 5 नम्बर क्षेत्र स्थित करजनाके बस्तीपुरमे द्वन्द्वकालीन अवस्थामै बेपत्ता कयल गेल आ हत्या कयल गेल माओवादी कार्यकर्ता सब रामशरण नायक, हजारी यादव, दिलीप यादव तथा रामप्रसाद यादव के सालिकाना वरण कयने छलथ। एनाका गोलबजार वार्ड नम्बर 3 जमदह स्थित तेतरिया के पर्यटकीय स्थल कुम्भी खाँडी दह क्षेत्र के संरक्षण काज के शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी भेल छलथ। सरकार मधेसी मोर्चा के सेहो मना कऽ संविधान संशोधन करैत स्थानीय चुनाव के मिति घोषणा कर चाहि रहल समय में प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तराई मधेस में 25 लाख आदमी उतार के योजना बनाने आई छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराही में महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वक सचिवालय फागुन 21 गते से शुरू होब लागल मधेस जन परिचालन अभियान के कार्य योजना बनाई रहल छ। संविधान संशोधन बिना मधेस संविधान स्वीकार नहीं कर के मधेस केन्द्रित दल सब कह रहा समय में एमाले मधेस में संगठन सुदृढ़ीकरण तथा जन परिचालन के तैयारी में जुटल छ। एमाले के लोकतांत्रिक मधेसी संगठन के अध्यक्ष रघुवीर महासेठ एमाले मुक्त मधेस के नारा लगाओ वाला कांग्रेस माओवादी या मधेसी मोर्चा के असगरे एमाले तराई मधेस में टक्कर देवजा का योजना बनाने दावी कयने छथ। ओ कहलनि जे संविधान संशोधन मधेसी मोर्चा आ किछ द्वंद्व व्यवसायी मधेसी बुद्धिजीवी सबके मात्रे मागे छे, आम मधेसी सब साधारण के एकर कोनो मतलब नहीं अछि। एमाले विरुद्ध नियोजित रूप में मधेस विरोधी कहि कऽ प्रसार कयल गेला सह केन्द्रीय कमांड मधेस जाकर सब भ्रम के हटाव के बृहत तैयारी भ रहल 2 नम्बर प्रदेश सह संयोजक नागेन्द्र चौधरी कहने छथ। एमाले फागुन 21 गते माघ में झापा के काकरभिट्ठा से शुरू कर लागल मेसी महाकाली तराई मधेस केन्द्रित अभियान में 25 लाख आदमी के परिचालित हाथ से लक्ष्य रखने छ। झापा के अलग अलग स्थान में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल छ। दमक 3 स्थित भित्री सड़क में 1/40/44 नम्बर के जीप ठक्कर देला के बाद को 5/37/02 नम्बर के मोटरसाइकिल में सवार इलाम के बाजो के 33 वर्षक जय कुमार राय के शनि दिन रात मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। अना का कनकाई 1 में N7/3/89 नम्बर के बस ठक्कर देला से May 1/14/19 नम्बर के सफारी के चालक स्थानीय 64 वर्षक लक्ष्मण मगर के मृत्यु भेल प्रहरी कहबे छ। मालपोत कार्यालय धनुषा के नायब सुब्बा राधेश्याम ठाकुर के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग घूस लैते काल पकड़ाव कलक। सेवाग्राही से 5,000 घूस ल रहल समय में हुनका रवि दिन पकड़ाव कल गए। अख्तियार के क्षेत्रीय कार्यालय बर्दीवास से खटल प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लमसाल नेतृत्व टोली ठाकुर के रंगे हाथ पकड़ाव कलक। धनुषा रघुनाथपुर के एक घर परिवार के भाई भैया के जमीन अंशभंडा के काम कर 5,000 घूस ल रहल समय में नासू ठाकुर के पकड़ाव कल गए एसपी लमसाल बतौलन। 34 किलो सोना कांड में भंसार के एकटा दोसर कर्मचारी पकड़ाओ पड़ल है। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के टोली सुब्बा पद में कार्यरत श्याम श्रेष्ठ के रविदिन पकड़ाओ कने है। श्रेष्ठ मध्यपुर ठीमी अस्पताल के अस्पताल संचालक समेत है। वो अस्पताल से पकड़ाओ पड़ल सीआईबी स्रोत जनौनी है। एयर अरेबिया के जहाज से आनल गेल 34 किलो सोना त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से कर्मचारी सबके मिलीभगत में पास भेल छल। सोना सहित 3 गोटे ढोबवला के प्रहरी बीतल पुष 21 गते तिलगंगा से पकड़ाओ कयने छल। अनुसंधान के क्रम में प्रहरी ऐसे आगू भंसार के 2 अधिकृत सबके पकड़ाओ कर चुकल है। ओकर सबक बयान के आधार में श्रेष्ठ के पकड़ाओ कयल गेल है। श्रेष्ठ सोना तस्कर संग संपर्क में रहल आ पैसा के लेन देन सेहो ओकरे सब संग होइत आयल प्रहरी के स्रोत के कहबे छ।
महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ उच्च अदालत के 80 गोटे न्यायाधीश नियुक्ति के निर्णय सच्याब मांग के महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सरकारी वकील सबके आंदोलन जायज रहल उल्लेख करते सरकार निर्णय फिरता लेबी पर अनने काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे तो महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय अंतर्गत सरकारी वकील आ चारटा ट्रेड यूनियन रवि दिन से सर्वोच्च सहित देशभर के अदालत में बहस पैरवी लगात के काज बहिष्कार कर जका शुरू करने आंदोलन जायज रहल से जिक्र कल उच्च अदालत में हाल में भेल न्यायाधीश नियुक्ति में भेदभाव आ पक्षपात भेला से वकील सबके मांग जायज रहल बतबे तो सरकारी वकील सबके अपेक्षा कैल गेल उपेक्षा कैल गेल आ समानुपातिक सेहो नहीं रहल उपराग सेहो देलथ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सरकार के प्रतिरक्षा करे वाला वकील सबके सक्षम आ योग्य बनाब सरकार विशेष ध्यान देव परत में जोर से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सरकारी वकील सब के दक्ष बनाब के आ भौतिक सेवा सुविधा बढ़ाव के बात में प्रतिबद्धता जनने से स्मरण कर फरक प्रसंग में महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ 2074 साल माघ 7 गते भीतर तीनों तक के चुनाव नहीं हेत देश में संकट उत्पन्न हाथ से बतौल उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्ति के विरोध में सरकारी वकील सबके संपूर्ण अदालत के बहस पैरवी बहिष्कार कने न्याय परिषद किछ दिन आगू उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्ति कने विरोध में महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय माथत के सरकारी वकील आ चारटा ट्रेड यूनियन रवि दिन से सर्वोच्च अदालत लगायत देशभर के अदालत आ न्यायालय में बहस पैरवी लगायत काम बहिष्कार कने न्यायाधीश नियुक्ति में भेदभाव आ त्रुटिपूर्ण रहल कहित सरकारी वकील आ ट्रेड यूनियन सब निर्णय सच्याब के दबाव दैत अदालती प्रक्रिया बहिष्कार कर के निर्णय कल अही बीच महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ सरकारी वकील सब न्यायाधीश नियुक्ति के विरोध में शुरू कने आंदोलन में एकव्यता जनौने वो सरकारी वकील सबके उपेक्षा कह उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्ति कने विरोध में देशभर अदालती प्रक्रिया में असहयोग कर के निर्णय में अपन साथ रहल से स्पष्ट कने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वक नेकपा माओवादी तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की के कारी चुना लगाओवाला सबके सम्मान के लगाई छ नमहर भ्रष्ट के कार्रवाई के शुरुआत के उल्लेख करैत चन्द्र बहादुर बुढ़ा प्रकाश शाही आ दीपेन्द्र गौतम के सम्मान कयल गेल छ बुढ़ा शाही आ गौतम के तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की के बीतल पुष 7 गते सर्वोच्च अदालत के परिसर में कारी चुना लगौने छल कार्यक्रम में बजट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद भ्रष्ट के कार्रवाई कला से सम्मान कल गया स्पष्ट कने वो भ्रष्ट के कार्रवाई करे वाला सबके सरकार सम्मान के रास्ता के बदला कार्रवाई कने कहित आक्रोश व्यक्त कल ताकि के कारी चुना लगाओ वाला बूढ़ा शाही या गौतम तीनों गोटे के एक महीना हिरासत में रखल गया छल महासचिव चंद जनता विरोधी सरकार भ्रष्ट सबके मात्र सम्मान करते आल जिकिर से कल कार्यक्रम में बजट महासचिव चंद सरकार विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर के चेतावनी से दिल सरकार जनता विरुद्ध रहला से फागुन 1 गते से सशस्त्र संघर्ष के शुरुआत करके चेतावनी देने से महासचिव चंद सरकार दलाल सब संग मिलकर भोज भात कर लगला से वही के विरुद्ध में काठमांडू से सशस्त्र संघर्ष के शुरुआत कर लागल से जिक्र कने से महासचिव चंद आप सशस्त्र संघर्ष के शुरुआत काठमांडू आ रोलपा से करके उद्घोष से करे वो सरकार भारतीय इशारा में चल कहित आक्रोश से व्यक्त कने से तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की के कारी चुना लगाओ वाला बूढ़ा शाही आ गौतम नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा माओवादी के कार्यकर्ता है विद्युत चोरी में संलग्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण के सुपरवाइजर सहित 16 गोटे के प्रहरी पकड़ाव कलक काठमांडू उपत्यका सहित देश के विभिन्न जिला में मीटर बिगाड़ के उल्टा घुमा कर रकम ठकने रकम कम उठल देखौने कम रकम तीरा लगाने काज में संलग्न प्राधिकरण के 11 गोटे कर्मचारी सहित 16 गोटे के महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली काठमांडू के विभिन्न स्थान से पकड़ाव कने प्रहरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालाजू शाखा के सुपरवाइजर सुमन श्रेष्ठ प्राधिकरण के शाखा भक्तपुर के पूर्व सुपरवाइजर भगवान पांडे प्राधिकरण के पूर्व मेंटेनेंस टहल बहादुर कार्की 8 गोटे मीटर रीडर आ प्राधिकरण के कर्मचारी संग मिलकर विद्युत चोरी करते आयल 5 गोटे उद्योग व्यवसाय संचालक के सेहो पकड़ाव कलक अना के प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय रत्नपार के वरिष्ठ सहायक दिल बहादुर साउद सेहो पकड़ाव करल पकड़ाव करे वाला मीटर रीडर सब में मनीष श्रेष्ठ महादेव प्रधान अच्युत खड़का ओम ढुंगाना श्याम बस्नेत प्रदीप शर्मा सूर्य बहादुर थापा ठाकुर महर्जन रहा अना का गोकर्णेश्वर के मंजुश्री खानेपानी फैक्ट्री के संचालक कुमार लामा गौशाला के मिठाई दोकान संचालन करवला तपन घोष नक्साल के कपास व्यापारी परवेज आलम आ आनाम नगर के रामेश्वर मिठाई फसल के दुकान के संचालक रमेश चुड़ाल सेहो विद्युत चोरी के आरोप में पकड़ाव पड़ल
ओसर काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरिका दर्जनौ उद्योग, कल कारखाना, गार्मेन्ट, होटल, लज तथा व्यक्ति विशेषकी घर समेत विद्युत मिटरमै अङ्क घटाएको, विद्युत खपत बढाउने आर लोड सेडिङमै सिहो प्रभाव गरजेहन काम केने प्रहरीकै कहवाइ छ। पक्राउ परल सब के प्रत्येक दिन 20 तलक 25 ठाम में एहन काम करे त्याल महाशाखा के अनुसंधान टोली पत्ता लगा लगाई छ। एहन काम बीतल 12 वर्ष हुई त्याल हुई तो प्रहरी अनुसंधान देखाउने आइछ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्तर्गत ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र सनातपुर के संचालिका गंगा माता के मंगल दिन निधन भेलै छ। ब्रह्मकुमारी गंगा माता के 81 वर्ष को उमेर में काठमाडौँ में इलाज क्रमे निधन भेलै छ। के छल त गंगा माता, नवीन यादव के एक रिपोर्ट। आध्यात्मिक ज्ञान देबाक उद्देश्य सँ भारत सँ शुरू कयल गेल ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रक विस्तार नेपाल में सन 1966 में भेल छल। नेपाल में पहिल बेर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शाखा के रूप में सन 1966 में विराटनगर में केन्द्रक स्थापना कयल गेल छल। एकर बाद सन 1967 में काठमांडू में नेपालक मुख्य केन्द्रक स्थापना कयल गेल। एकर बाद क्रमशः विक्रम संवत 2031 साल में बीरगंज में, 2039 साल में नारायण घाट में, 2041 साल में हेटोड़ा में आ 2043 साल में जनकपुर में ई केन्द्रक स्थापना कयल गेल। क्षेत्रीय कार्यालय रहल जनकपुर में ई केन्द्रक विस्तार के श्रेय गंगा माता के देल जाइत अछि। हुनकरे प्रयास में ई केन्द्रक स्थापना कयल गेल छल। जनकपुरक ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र के संचालिका गंगा माता के जन्म विक्रम संवत 1990 में कास्की के मोती खान गाविस के भिसुमारा गामक एक प्रतिष्ठित परिवार में भेल छल। हुनक वास्तविक नाम गंगा देवी शर्मा छै। छोटे सँ अध्यात्म तरफ आकर्षित गंगा देवी 2028 साल में ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र सँ संचालित खेड़िनी टार गीता पाठशाला सँ ईश्वरी ज्ञान प्राप्त केने छली। एकर बाद ओ 2031 साल सँ पूर्ण रूप में ईश्वरी सेवा में जीवन समर्पण केली। ओ दीक्षा पाबि चुकला के बाद 2032 साल सँ राजयोग आध्यात्मिक शिक्षा के प्रशिक्षण देव शुरू केने छलथि। गंगा माता बाल्यकाले सँ आध्यात्मिक विचार के छलथि। एकर फलस्वरूप अनेको समस्या के बावजूद सोलू के विकट गाम सँ मधेश के भूभाग धरि राजयोग सेवा केन्द्र खोल में हुनक बहुत योगदान रहल। कास्की जिला को नौडाँडा भन्ने स्थान में वहाँ को जन्म भएको हो र वहाँ अत्यन्तै धर्मप्रेमी अध्यात्म प्रेमी बचपनदेखि नै वहाँ अत्यन्तै धर्म प्रेमी र अध्यात्म प्रेमी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा उहाँको जीवनमा उहाँले बेला बेलामा हामीलाई अनुभव सेयरिङ गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पहिलाको समयको अनुभव सेयरिङ गर्नुहुन्थ्यो कि अनेक प्रकारका समस्याहरू उहाँको जीवनमा आउँदा आउँदै पनि हरेक परिस्थितिहरूलाई यसरी सहजीकरण गर्नुभयो, उहाँले यति सरल तरिकाले उहाँले सहजीकरण गर्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप जस्तो उहाँको नाम गङ्गा छ त्यस्तै गङ्गा जस्तै पवित्र भनेर निश्चल भावले उहाँले चाहिँ सेवा दिनुभयो र यस नेपालको भूमिमा मलाई लाग्छ कि उहाँले सायद यदा कदाचित एक दुईवटा जिल्ला छुटेको होला भने होला, नत्र भने प्राय धेरैभन्दा धेरै जिल्लाहरूमा उहाँ पुगेर सेवा दिनुभएको छ। चाहे त्यो सोलुको विकट ठाउँ किन नहोस्, चाहे तराईको समतल मैदान किन नहोस्, भारतको बिहार प्रान्त स्थित 3 जिल्लामा पनि गएर माताजीले त्यहाँ पनि सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुभयो। ईश्वरी सेवामा जीवन समर्पण केने गंगा मातासँग औपचारिक शिक्षा नहि लेल गेलो पर शास्त्रक ओ सो अध्ययन केने छलथि। ओ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा गोष्ठी सम्मेलनमे सहभागी होइत आयल छलथि। सुस्वास्थ्य जागृति अभियान, वातावरण जागृति अभियान, नेपाल भारत पशुपति रथ यात्रा, साइकिल यात्रा सहितक अभियानमे ओ सक्रिय रूपमे रहैत आयल छलि। तनाव व्यवस्थापन एवं सकारात्मक जीवनशैली के शिक्षा दैत आयल गंगा माता अपना संग रहल पैतृक सम्पत्ति समेत मानव सेवा में लगा देने छलथि। यही जगह जतः अपन घर छलै हुनकर, और सबसे पहला तो हुनकर अपन बचबे एहिमे लगलै। ताहिमे लगला के कारण से फिर सम्पूर्ण रूप से माताजी जब एहि यज्ञ में चलि एलखिन ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र में एकटा निमित्त बनिकऽ एकटा आधार बनिकऽ कार्य करऽ लगलखिन, ताहिके बाद जे छै से हुनकर बचबा विरोध नहि केलखिन, सपोर्ट केलखिन। भारत में रहल मधुबन पार्क जका मिथिला पार्कक निर्माण करबाक हुनक अंतिम अभिलाषा छल। जनकपुर में स्थापना रजौ बेलही में सुख शांति भवन और शाखा की स्थापना सहित
नेपाल के भी बहुत जिला में और बिहार के भी बहुत जिला में उनका ट्रेनिंग सेंटर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान छे और विश्व बंधुत्व के भावना और शांति के मार्ग पर जो ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के मिशन है, मिशन के वो निसंदेह निरंतर अपन जीवन के उत्तराधे अखन काठमांडू के ठामेल में रहल ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व शांति भवन केंद्र संग आबद क्षेत्रीय कार्यालय सब जनकपुर बीरगंज विराटनगर नारायण घाट सहितक ठाम में रहल छे। जनकपुर अंतर्गत केंद्र के 5 शाखा छे आ 37 उप शाखा छे। ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के स्थापना सन 1930 में भारत के राजस्थान के माउंट आबू में भेल छल। ब्रह्म बाबा से आध्यात्मिक ज्ञानक लेल इस संस्था के स्थापना कयल गेल छल। ई केंद्र अखन विश्व के 110 देश में रहल छे। एकर संगी ब्रह्म कुमारी के साधक आ साधिका के संख्या विश्व भर करीब 10 लाख रहल अनुमान कयल गेल अछि। अपन टेलीविजन के लेल नवीन यादवक रिपोर्ट। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल हैंडप्याप संघ के अध्यक्ष पद्मित चंद्र नारायण मंडल विजय भेल अछि। अपन एकमात्र प्रतिद्वंदी निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवनारायण पांडे के 6 से पराजित कने अछि। कुल 47 गोटे मतदाता सदस्य रहल में 40 गोटे मतदान कने छल। मंडल 23 मत प्राप्त कने छ, पांडे 17 मत प्राप्त कने छल। ऐना का अध्यक्ष बाहेक के अन्य पद में मात्र एक एक गोटे के उम्मीदवारी पड़ला से बाकी सब पद में सर्वसम्मत पदाधिकारी या सदस्य चयन भेल। उपाध्यक्ष में आशीष झा, सचिव में अवधेश तिवारी, सह सचिव में दीपेंद्र कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष में प्रमोद कुमार शाह आ सह कोषाध्यक्ष में मनोज कुमार मिश्र निर्विरोध चयन भेल। अन्य सदस्य सहित 15 सदस्य कार्य समिति चयन करते प्रमाण पत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण से सम्पन्न भेल। रवि दिन एक विशेष समारोह के बीच भेल अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बजे एनपीएसन के केंद्रीय उपाध्यक्ष पांडव हमाल विधान संशोधन के लिए अपने सब तैयार रहल आ संघीय प्रणाली के ढांचा अनुसार आगू बढ़ पड़त बताने आई। समारोह में बाजे वाला अधिकांश वक्ता सब एहन संस्था सब व्यापारिक सब बेसी गुणस्तरीय शिक्षा के उद्देश्य बनाव पड़त बताने छल। उद्घाटन समारोह के बाद जारी बंद सत्र से ढांचा जिला के नया कार्य समिति चयन करत। अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष देवनारायण पांडे या पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सलाहकार चंद्र नारायण मंडल के उम्मीदवारी के बीच प्रतिस्पर्धा होबय वाला छ। जनकपुर स्थित न्यू इंग्लिश उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सब असहाय सबके खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा सामग्री वितरण कलक। वाणिज्य संकाय में पढ़ा वाला कक्षा 12 के छात्र छात्रा सब आमा को माया छात्रावास नामक संस्था में बसोबास करे वाला असहाय सबके आटा दालि लत्ता कपड़ा के संगे पाठ्य सामग्री सब वितरण कने। कार्यक्रम में सहभागी सब असहयोग के सेवा से विद्यार्थी सबके व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर मदद पहुँचत बताने। चिनिया जनमुक्ति सेना के टोली चुपचाप नेपाल आई के उच्च स्तरीय भेटवार्ता कर रहल। दोसर महीना नेपाल चीन पहिल संयुक्त सैन्य अभ्यास के तैयारी भरल समय चिनिया जनमुक्ति सेना मेजर जनरल के नेतृत्व के टोली पठाने आई। 2 आगू वरिष्ठ कर्नल नेतृत्व में चिनिया सेना के टोली नेपाल आयल छल। 3 नेपाल भ्रमण के क्रम में शुक्र दिन काठमांडू पहुंचल मेजर जनरल ली ऊ चुन नेतृत्व के टोली प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री संग भेटवार्ता कने। चिनिया टोली के ई भ्रमण के विषय में परराष्ट्र रक्षा आ सैनिक हेडक्वार्टर के समेत सीमित अधिकारी सबके जानकारी दिल गए। तैनाक सेनापति संग भेटवार्ता सैनिक जनसंपर्क निदेशनालय के निदेशनालय से हो कि नहीं बजने। उच्च स्रोत के अनुसार अब बेर चिनिया सेना नेपाली सेना के किछ सैन्य सामग्री देवे के तैयारी कने। चिनिया सेना विशेष क विकास निर्माण आ अस्पताल संबंधी उपकरण सब देवे के समझौता करत बताल गए। भारतक ओडिशा के रायगढ़ में रेल दुर्घटना भेला से कमती में 23 के मृत्यु भेल। जगदलपुर से भुवनेश्वर के लिए जा रहा हीराखंड एक्सप्रेस रेल के 8 डिब्बा लीक से उतर के दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 100 गोटे घायल भेल संचार माध्यम से जनौने। घटना में जान गुमाव वाला सबके संख्या बढ़ सकबाक स्थानीय अधिकारी सबके कहबे। रायगढ़ से 35 के दूरी में रहल विजयनगरम में कुनेरी स्टेशन नजदीक दुर्घटना भेल। दुर्घटना में घायल भेल सबके रायगढ़ के अस्पताल में भर्ना कराओल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। माघ 15 गति भीतर चुनाव की मिति घोषणा होबाक प्रधानमंत्री प्रचंड कहब। बैसाख के अंतिम सप्ताह चुनाव होबे के संभावना। मधेश में 25 लाख जनता सड़क में उतारब नेकपा एमाले के दावी। केपी ओली नेतृत्व में 100 कमांडर फटत।
झापा के अलग अलग स्थान में दुर्घटना में दू गोटे के मृत्यु। उच्च अदालत के 80 गोटे न्यायाधीश नियुक्ति केन्द्र ने सच्चा एवं महान्याधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठक मांग विरोध में सरकारी वकील सब संपूर्ण अदालत के बहस बेरवी कलक बहिष्कार। आप भारत ओडिशा के रायगढ़ में रेल दुर्घटना भेला से कमती में 23 गोटे के अपनी सखन के लिए रखते पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।